हेलो गाइज, आप कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डेकोरेशन लाइट बना के दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक खाली कैन ले लेना है, खाली कैन या जो भी कुछ बोल सकते हो आप, इसको इस तरीके से ले लेना हो। और मैं इसको यहाँ ऊपर से साइड से काट लेता हूँ, काटने के बाद आपको दिखा देता हूँ एक बार। इस तरीके से आपको ये ऊपर से काट लेना, काट लेने के बाद आपको इस तरीके से कोई भी सीट ले लेनी है, पीवीसी सीट या जो भी बोल सकते हो आप, और इस तरीके से लगा कर आप नेप से इसका सेंटीमीटर वगैरह लेकर आप इसको काट लेना है एक बार। देख सकते हो दोस्तों, मैंने एक इस तरीके का गोल पीवीसी शीट काट ली है। इसके बाद हम इसके अंदर इस तरीके की आरजीबी लाइट लगाने वाले हैं। आरजीबी लाइट लगाने के लिए इसके अंदर हम 6 आरजीबी लाइट लगाने वाले, तो 6 इसके अंदर फिट कर देते हैं इस शीट के अंदर। फिट करने के बाद मैं आपको इसकी कनेक्शन भी समझा दूँगा, और कनेक्शन कर हम इसको आगे के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद देख सकते हो दोस्तों, मैंने आरजीबी लाइट लगा दी हैं, और इसका आपको दो लेग दिखेंगी, एक छोटे वाली और एक बड़े वाली। जो ये छोटे वाली लेग है ये माइनस की है, और बड़े वाली प्लस की है। तो माइनस की छोटे वाली एक जगह कर देनी है, और प्लस वाली आपको एक जगह कर देनी है। बेस के मेन वायर निकाल देनी है आपको। दोस्तों मैंने इस तरीके से लाइट लगा दी है और इनके कनेक्शन कर दिए हैं। इसके बाद आपको एक
मोबाइल चार्जर ले लेना, उसके अंदर जो ये प्लेट होती है ये आपको निकाल लेनी है, और इसके अंदर ये लाइट लगी हुई है आरजीबी, ये भी आरजीबी है। आपको पता चल जाएगा जब ये चलेगा कि आपके इसमें डेकोरेशन लाइट में बिजली आ गई या नहीं आ गई है। तो इसके ये डीसी वोल्टेज हैं, और एसी देने के लिए यहाँ पर आपको दो ये पॉइंट दिख जाएंगे, दो पॉइंट दिख रहे हैं। इसके अंदर आपको एसी वोल्टेज देने हैं 240 वोल्ट, और इसके अंदर मैं इस तरीके से सेट करने वाला हूँ, और इसके इस साइड से हम 240 वोल्ट निकालने वाले हैं देने के लिए, वायर निकालनी है, और वायर का इसमें यूज़ करने वाला हूँ मैं, और इसके सीधे इसमें लगा देने हैं और बाहर निकाल देना। ये कनेक्शन बिल्कुल आसान है, डीसी के अंदर आपको ये लगा देने हैं और एसी आपको। दोस्तों मैंने इस तरीके से ये दोनों को कनेक्ट कर दिया है। ये आगे की तरफ मैंने ये बल्ब का जो आगे वाला हिस्सा है जो ये रोशनी करता है वाइट वाइट वाला, मैंने आगे लगा दिया है फेविक्विक की मदद से, और पीछे मैंने इसके कलर कर दिया है स्प्रे वाला कलर इस तरीके का। मैंने ये क्यूब वाला इसको स्प्रे कर दिया है ब्लैक रंग का, और मैं अब आपको इसकी टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूँ। आपको सीधा 240 एसी वोल्ट में लगा देना है। लगाने के बाद इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद आप ये देख सकते हो दोस्तों कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो कितनी डेकोरेशन लाइटें अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।